सेक्टर 3 में हाई टेंशन लाइन से हुए हादसे के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसके चलते सेक्टर 3 के लोगों ने सेक्टर 18 में अधीक्षण अभियंता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यालय पर सेक्टर 3 फेडरेशन के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से लोगों ने अधीक्षण अभियंता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम जमकर घेरा। बता दें, सेक्टर 3 के घरों के ऊपर से गुजरती 66 केवी की हाई टेंशन तारों के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते तारों की चपेट में आकर अब तक 12 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा हादसे के समय आसपास के लगभग 8 से 10 घरों में बिजली के सभी उपकरण जल जाने के कारण लाखों का नुकसान भी हो रहा है। लिहाजा आम लोगों की जान माल की चिंता को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 3 फेडरेशन ने हाई टेंशन की तारों को हटाने के लिए अन्य सभी विभागों को शिकायत पत्र दिया है। मेरा इसमें यही कहना है कि वहाँ पे जो भी 80-90 घर है, बिल्कुल अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ पर रह रहे हैं। और पिछले 5 साल से प्रधान सुभाष लांबा जी के नेतृत्व में सेक्टर 3 फेडरेशन उन तारों को घरों के ऊपर से हटवाने के लिए संघर्षरत है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हुड्डा डिपार्टमेंट ने तारों को हटाने के लिए दो साल पहले पैसा जमा करा दिया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने NOC दे दी है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं SC जो यहाँ के हैं बिजली विभाग के और एक्शन है, वो बिल्कुल भी मतलब उन लोगों की जान माल की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वहाँ लोगों की जाने जाती हैं और नुकसान होता है, तो इनको मजा आता है। और इसी बात को लेकर परसों जो हादसा हुआ है, और इन्होंने फरवरी के महीने में हम मिले थे, SC साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि भी 2 महीने का समय दे दो, 2 महीने में घरों के ऊपर से तारे हट जाएगी, 4 महीने बीतने के बाद भी अभी तक तारे नहीं हटाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वायदा करने के बाद भी इन्होंने वायदा खिलाफी की। हाँ जी, इसकी शिकायत आपने कहाँ दी है? हमने जितने भी चैनल सरकारी चैनल हैं, हमने हर चैनल को अपनी शिकायत दी है। जो हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी है, उनके भी संज्ञान में है। जो चंडीगढ़ हेड ऑफिस है, उनके भी संज्ञान में, MD साहब के भी संज्ञान में, सब जगह संज्ञान में। पिछले 5 साल से हमने हजारों बार, सैकड़ों बार शिकायतें की। हम बैठे हैं, जब तक नहीं आएंगे हमारी कोई सुनने के लिए नहीं आएगा, हम बैठे हैं यहीं पे। तो हमारी लाइन है, उसको हमने शिफ्ट करना है, उसकी शिफ्टिंग की डिमांड है। वो हम बस उसके लिए कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा? मटेरियल आज, मतलब हमारे पास पिछले हफ्ते मटेरियल आया स्टोर में, खेड़ा स्टोर है इनमें नगर में, वहाँ हमने मटेरियल आज गाड़ी भेज के मतलब मटेरियल ड्रा करा रहे हैं। 2-3 दिन में मतलब कोशिश करते हैं, एक्चुअली एक दिन गाड़ी जाती है, अगले दिन आएगी उसको लेकर, मतलब रास्ता भी है ना जी। तो मटेरियल हमारे पास जैसे ही आ जाता है उसके बाद हम तुरंत मतलब इसको तुरंत क्या कार्रवाई नहीं, इरेक्शन का काम शुरू कर देंगे तुरंत। कार्रवाई क्या करनी है, इरेक्शन का काम शुरू करना है साथ साथ ही, है ना। किस तरीके से आश्वस्त करेंगे आप लोगों को, लोगों में इतना आक्रोश के अपने लोगों में आक्रोश तो सर इसलिए क्योंकि लाइन शिफ्ट नहीं हो पाई, मानते हैं लोगों का आक्रोश जायज है, लेकिन यह है कि हम इसको अर्लीस्ट पॉसिबल हम कर देंगे। सर ऐसे में जो लोग यहां पर पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि 13 जो जाने जा चुकी है, 12 जाने जा चुकी है, ऐसे में कैसे उनके उनके जो लोग के वो गए हैं उनको किस तरीके से देखते हैं और कैसे करेंगे उन पर काम, क्योंकि वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिजली। मैडम पता क्या है, होता नोटिस सब लोगों को अवेयर भी किया गया है, नोटिस भी देते हैं, लेकिन यह है कि देखो हम कहीं भी किसी भी लाइन के नज़दीक जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, बिजली तो मतलब सभी के लिए नुकसान करती है। हम जाए मतलब इनकी प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमें सेफ्टी भी देखनी होती है जी। लेकिन यह कि इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल जायज है, इनकी भी बात जायज है, लेकिन निगम की भी बात यह है कि बिजली तो चलो लाइन की चल रही है, बिजली कैसे बंद कर सकते हैं, तो इतना बड़ा एरिया चल रहा है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी समस्या है और हम इन लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं। अच्छा सर, ऐसे में जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं था यहाँ पर पूरी चेयर्स खाली थी, पूरे एक एक कार्यालय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। नहीं, यहाँ पे सभी लोग होंगे ऐसा नहीं है, मतलब कोई जैसे साहब होंगे साइड पे गए होंगे कहीं, पूर्ण रूप से जानकारी थी कि आज लोग आएंगे लोग। नहीं, ऐसा किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आप लोग आएंगे, मतलब अगर हम पता होता तो मैं तो खैर आ ही गया, देखो आपके सामने जी। अगर साहब भी तो जब कॉल किया गया आप तुरंत पहुंचे हैं। हाँ, मैं तुरंत आ गया, साहब भी अगर आ जाएंगे कोई ऐसा इशू नहीं है, कहीं साइड पे कहीं किसी प्रायर मीटिंग में होंगे कहीं, मेरे को अभी नहीं पता कहाँ है, ठीक है ना। महिलाएं बैठी थी, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कॉल किया मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं।